हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल खाना खजाना विद शिखा। आज हम बनाने जा रहे हैं शक्करपारे या खुरमा। 250 ग्राम मैदा ली है, आधा कटोरी पिघला हुआ घी लिया है, 50 से 60 ग्राम होगा। मैदे में सबसे पहले घी मिक्स करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन जरूर दबाएं। मैदे में घी मिक्स हो गया है, अब मैदे को हथेली में लेके इस तरीके से मस लेंगे जिससे घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको गुनगुने पानी से गूंथ लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब पूरी जैसा आटा लगा के तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। आटे को मसल लेंगे। मैदे का डो गुद के तैयार हो गया है। ये बहुत ज्यादा ना टाइट है ना सॉफ्ट है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं डो को रखे हुए, अब इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। डो से लोइयां बना लेते हैं। इसको चिकना कर लेते हैं। पैथन में डिप करेंगे। रोटी जैसा बेल के तैयार करेंगे। देखिए इसको बहुत ज्यादा ना मोटा रखा है ना पतला रखा है। अब इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। बर्फी जैसा शेप देंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरीके से बाकी भी लोइयां बेल के तैयार कर लेते हैं। अब इसको भी कट कर लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया है। सारे खुरमे कट के तैयार हो गए हैं, अब इनको तल लेंगे। थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे कि तेल गरम हुआ है कि नहीं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें खुरमा डालेंगे। हल्के हाथों से हिला देंगे। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे जब तक ये फूल के नहीं आ जा रहे।
सारे खुरमे फूल गए हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। कंटिन्यू चलाते हुए इनको तल लेंगे जब तक ये हल्के ब्राउन ना हो जाएं। शक्कर पारा ब्राउन हो गए हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे शक्कर पारे तल के तैयार कर लेंगे। सारे शक्कर पारा तल के तैयार हो गए हैं। जब तक ये ठंडे हो रहे हैं तब तक चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। 100 ग्राम चीनी ली है, एक बड़ा बर्तन लिया है, इसमें चीनी को डालेंगे, आधी गिलास पानी डाल देंगे, चीनी को चला देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए तब तक उसको कंटिन्यू चलाना है। चाशनी में उबाल आ गया है, अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और एक मिनट और इसको पकने देंगे। एक मिनट हो गया है चाशनी को उबलते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं इसमें तार आना शुरू हुआ है कि नहीं। तार नहीं आ रहा है इसलिए इसको थोड़ी देर और पकने देंगे। थोड़ी देर और हो गई है चाशनी को पकते हुए, अब दोबारा चेक कर लेते हैं। चाशनी में तार आना शुरू हो गया है, अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इस चाशनी में सारे शक्कर पारे डाल देंगे, चला देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे चीनी की कोटिंग सारी किसी पे चढ़ जाए। इनको कंटिन्यू 2 मिनट तक चलाते रहेंगे जब तक चीनी हल्की हल्की इनके ऊपर ना जमने लगे। देखिए हल्की हल्की चीनी इस पे जमने लगी है, चीनी काफी हद तक जम गई है। अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब चीनी अच्छे से सूख जाएगी तब इसको निकाल के दूसरे बर्तन में रख लेंगे। देखिए चीनी अच्छे से जम गई है, शक्कर पारे सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप अपने घर में बनाइए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।